नमस्कार दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में हम लोग सुनेंगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन से। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेजर क्रॉप पैटर्न्स के अंदर, और कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज पेपर 2 में ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स के रिस्पेक्ट में, ये पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाला जो टॉपिक है वो आपके काम आ सकता है। यहाँ पे बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किस प्रकार से काम करती है और बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए कैसे जाते हैं, इसके प्रोसेस को समझना इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के, यहाँ पे हम लोग प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हालांकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के रिस्पेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी जन्मी थी चाइना में, तो दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बहरहाल, प्लांट के रिस्पेक्ट में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए दो प्लांट हैं, प्लांट वन और प्लांट टू। अब आप चाहते हो प्लांट वन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट टू में चले जाएं, तो हम क्या करेंगे कि एक सिंगल जीन को आइसोलेट करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम दूसरे प्लांट में लेके जाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो जीन होगा इस प्लांट के डीएनए में, उस जीन को आइसोलेट किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, और इस आइसोलेटेड टारगेट जीन को दूसरे प्लांट के टिश्यू में इम्प्लांट किया जाएगा। तो इस P2 के अंदर आप P1 प्लांट की कोई करेक्टरिस्टिक ट्रेट डाल रहे थे, तो P1 प्लांट की जो करेक्टरिस्टिक ट्रेट वाला जो जीन होगा, वो जीन निकाल के आप P2 के अंदर इंसर्ट करोगे, और वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि भाई ये वो सेल है जिसमें वो डिजायर्ड स्टेट है, इससे आपने जेनेटिक मटेरियल निकाला, इस आइसोलेटेड जेनेटिक मटेरियल को आपने प्लांट टिश्यू में इंसर्ट कर दिया, और फिर प्लांट टिश्यू और आइसोलेटेड टारगेटेड जीन को मिला के आपने ग्रोथ मीडियम में उगाया, और इस ग्रोथ मीडियम से आपको कुछ नए सीड्स मिले, और उन सीड्स के बेसिस पे आपने नए प्लांट्स पैदा किए। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पहले बहुत लंबे समय तक लेबोरेटरी में किया जाता है, और इसको कई बार रिपीट किया जाता है, और जो नया प्लांट बनाया जाता है उस प्लांट को अलग अलग पैरामीटर्स पे एसेस किया जाता है कि कहीं इस प्लांट के कोई ख़तरनाक कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, कहीं आगे आने वाले समय में कोई इन्वेजिव एलियन स्पेशी तो नहीं बन जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव कैरेक्टर तो नहीं है। तो मतलब कि डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन को पैरेंट मटेरियल से निकाला, जिस प्लांट में आपको डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लेके जानी है उसके प्लांट टिश्यू में इस जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया, और इससे फाइनली आपने एक नया प्लांट बना लिया जिसकी एक नई ट्रेट है, और इस नई ट्रेट वाली प्लांट की सीड्स को आप फार्मर्स में बांट सकते हो, ताकि फार्मर्स ये नया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इस्तेमाल कर सकें। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल P1 प्लांट और P2 प्लांट। अभी P1 प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है, और P2 प्लांट में हाई ईल्डिंग है, तो मतलब P2 प्लांट से बहुत ज़्यादा एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्लांट पैदा हो रहा है एक पर्टिकुलर स्क्वायर हेक्टेयर में, और इस P2 वाले प्लांट में आपने ये जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वाला जीन है वो डाल दिया। तो अब जो नया प्लांट बन के पैदा होगा उसकी ईल्ड भी हाई होगी और वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होगा, मतलब वो ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ सकते हो कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे किया जा सकता है, सॉरी एनिमल्स में और ह्यूमंस में कैसे किया जा सकता है। बट एनिमल और ह्यूमन में इसको प्रयोग करना अभी भी पूरी दुनिया में अनएथिकल माना जाता है, बट प्लांट में कहीं ना कहीं इसको एथिकल माना जा रहा है। क्यों? चूँकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो GM क्रॉप्स है ना, वो आगे आने वाले समय में दुनिया की हंगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो दुनिया में भूख की परेशानी है, ये भूख की परेशानी कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से सॉल्व हो सकती है। और मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें ऑलरेडी 10% ज़मीन पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुनिया भर के करोड़ों लोग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पर खा भी रहे हैं। तो ये है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो क्या किया आपने, किसी एक प्लांट से एक स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ डीएनए निकाला और उसको दूसरे प्लांट जीनोम में डाल दिया, जिससे जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर दोनों प्लांट के अच्छे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और ये जो नया प्लांट बनेगा इसके जो सीड्स हैं उसको आगे बांटा जा सकता है दूसरे प्लांट्स को कॉमर्शियली उगाने के लिए। ठीक है भाई, तो इसके मेथड को अगर आप देखो तो मेथड में एक मेथड तो हमने ये देखा कि आपने जीन को आइसोलेट किया और उसको दूसरे के जीनोम में डाला। एक मेथड ये होता है जिसमें बैक्टीरियम या वायरस को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होता यह है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ कल्चर्ड बैक्टीरिया और वायरसेस को एक मीडियम में रखा जाता है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट किया जाता है, और जब ये बैक्टीरिया और वायरस इस जीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इन बैक्टीरिया और वायरसेस को एक दूसरे प्लांट में डाल दिया जाता है। समझ गया बात को? वो बैक्टीरियम जो इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं,
इनको कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस। फिर से समझिए, पहले क्या कर रहे थे कि किसी एक प्लांट के जिसके करेक्टरिस्टिक्स को आपको दूसरे प्लांट में डालना है, उस प्लांट के करेक्टरिस्टिक वाले जीन को आइसोलेट कर रहे थे और उस जीन को मिला रहे थे किसी दूसरे प्लांट के टिश्यू के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले प्लांट के जीन को आप डाल रहे हो बैक्टीरिया या वायरस में, और कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये कहीं ना कहीं उस जीन की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेता है, और फाइनली ये जो बैक्टीरियम होता है वो दूसरे प्लांट के जीनोम में डाला जाता है, और वही प्रोसेस होता है इनिशियली वाला कि जो भाई पहले प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स थे वो दूसरे प्लांट सेल्स के डीएनए में पहुंच जाएंगे। तो दोनों का आउटपुट सेम है, चाहे आप जीन को आइसोलेट करके दूसरे प्लांट में डालो, चाहे आप जीन को बैक्टीरिया में डालो फिर बैक्टीरिया को दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करो, दोनों तरीकों से आप क्या कर रहे हो कि दोनों प्लांट्स का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बना रहे हो, और ये जो हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा इसके अंदर सारी वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट में लाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली P1 और P2 को अगर आप मिला रहे हो तो इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स P3 में चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि P1, P2 और P3 मिलाओ और इन तीनों की करेक्टरिस्टिक्स P4 में चाहिए, तो भी ये किया जा सकता है। तो पहले इसके जीन को आइसोलेट करके इससे मिलाया, इन दोनों से मिलकर कंबाइंड प्लांट आया, उसको इससे मिला दिया और फाइनली P4 पे पहुंच गए। इसके लिए लगातार दुनिया भर में शोध चल रही है। अभी ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसका एक और अल्टरनेटिव है जिसको आप बोलते हो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने देखा दो प्रकार से होता है। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन से कैसे अलग है, इसका बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल इस पर्टिकुलर फिगर में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन का तरीका तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो वायरस रेजिस्टेंट प्लांट और हाई वील्ड क्रॉप के दोनों के जेनोम को मिला के आपने एक नया ही क्रॉप यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये नया क्रॉप कैसे बना, तो भाई एक को जेनोम को निकाल के दूसरे के जेनोम में इंसर्ट किया, उससे एक नई सीड बनी, उससे नई सीड से एक नया प्लांट बनाया, उस प्लांट के ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक चेक्स हुए, फिर उस प्लांट से जो नई सीड्स बनी अप्रोप्रिएट साइंटिफिक चेक्स के बाद जब लगा कि हाँ भाई प्लांट सेफ है तो नए प्लांट्स की सीड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या हो रहा है कि ये नेचुरल सिस्टम है ब्रीडिंग करने का। यहाँ पे एक वायरस रेजिस्टेंट प्लांट पकड़ा आपने और एक हाई यील्ड क्रॉप पकड़ा, और इन दोनों की आपने नेचुरल कन्वेंशनल ब्रीडिंग की, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया। तो ये जो नेचुरल तरीका होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के जेनोम को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप दोनों प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स को मिलाने की कोशिश करोगे। अभी कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे आप कह सकते हो कि अलग अलग करने के तरीके हैं, उसमें म्यूटेशन भी होता है, बहुत अलग प्रकार हैं। अभी उसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई कन्वेंशनल ब्रीडिंग में किस किस तरीके के प्रकार हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे नेचुरल तरीके से दो प्लांट्स को आपने मिलाया और एक नया प्लांट बना दिया, ठीक है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है कि आप जेनोम को आइसोलेट कर रहे हो और उसके बेसिस पे एक नया प्लांट बना रहे हो। और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि GM क्रॉप्स के एडवांटेज क्या क्या हैं। देखिए मैं बता दूँ, कन्वेंशनल ब्रीडिंग वाले प्लांट के जो एडवांटेज होते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है, ठीक है ना। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले क्रॉप्स में आप क्या कर रहे हो कि जीन के साथ खेल रहे हो, आप DNA के साथ खेल रहे हो। जब आप DNA के साथ खेलते हो तो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और वो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल में ना दिखें, बट एक जनरेशन के बाद दिखें। खैर वो एक अलग बात है। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ GM क्रॉप्स की। बेनिफिट ऑफ GM क्रॉप सबसे पहला क्या है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड को ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। फिर आप देखो कि क्रॉप्स को एरिड कंडीशन में उगाया जा सकता है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी का जीन निकाल के अगर आपने किसी हाई यील्डिंग वेराइटी में डाल दिया है तो आप जो नया हाई यील्डिंग वेराइटी का पौधा बनेगा वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होगा, वो जल्दी गर्मी में बिना पानी के मरेगा नहीं। फिर जो GM क्रॉप्स हैं वो अपने खुद के नेचुरल हर्बिसाइड बना सकते हैं पेस्ट को मारने के लिए। GM क्रॉप्स की जो शेल्फ लाइफ होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो आगे आने वाले समय में बढ़ती आबादी के साथ और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ कुछ ऐसे GM क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं जो कि फूड की सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करेंगे, तो भाई कम इलाके में ज़्यादा यील्ड हो जाएगी एक क्रॉप की, तो कम इलाके में हम ज़्यादा क्रॉप उगा पाएंगे, और ज़्यादा क्रॉप उगा पाएंगे बेसिकली जब ज़्यादा क्रॉप उगेगा तो लैंड क्लियरिंग, पेस्टिसाइड यूजेस कम होगा। क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर जगह से मान लीजिए ईल्ड आ रही थी 2000 किलो, अब उसी पर्टिकुलर इलाके से ईल्ड आने लगी 3000 किलो, तो एक्स्ट्रा 1000 किलो का इलाका तो बचाना, एक्स्ट्रा 1000 किलो का सॉयल तो बचाना, और उस सॉयल में आप फर्टिलाइजर डालते, पेस्टिसाइड डालते, तो उससे पॉल्यूशन होता अलग,
तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अवॉइड हो जाएंगी और फूड विद बेटर टेस्ट एंड टेक्सचर कैन बी अचीव। लेकिन यहाँ पे जीएम क्रॉप्स के एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे डिसएडवांटेज ही बताए जाते हैं। आप देखिए इंडिया में बीटी कॉटन को लेके कितना बवाल हुआ, बीटी ब्रिंजल को लेके कितना बवाल हुआ, कितना बीटी कॉटन इंडिया में इस्तेमाल होता है लेकिन कितने उसमें बॉलवॉर्म लग जाते हैं, कितने उसमें आप कह सकते हो बीमारियाँ लग जाती हैं हमारे क्रॉप्स में। तो शुरू शुरू में तो लगा कि जीएम क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे पता चला कि हो सकता है उतने अच्छे ना हो। तो सबसे पहला रिस्क क्या है जीएम क्रॉप्स का, कि चूंकि नए ट्रेड्स हैं यहाँ पे डीएनए के साथ खिलवाड़ हो सकता है, हो रहा है जीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसके कोई हेल्थ रिएक्शन हो और यहाँ पे हेल्थ रिएक्शन कुछ ऐसे होंगे कि पता नहीं चलेंगे। फिर भाई पेटेंट रिस्ट्रिक्शन, तो मान लीजिए किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना, अब जब कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनेगा तो वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो नई होगी, वो पेटेंटेड होगी टेक्नोलॉजी। अभी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी महंगी मिलेगी, किसी को भी इस्तेमाल करना तो पैसा देना पड़ेगा और इंडिया के गरीब किसान पैसा दे नहीं सकते। अगर फ्री में कोई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, महंगी टेक्नोलॉजी नहीं खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नए जीएम क्रॉप्स में जो पेटेंट होते हैं इससे उनका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन रुक सकता है, गरीब फार्मर्स उनको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। फिर जीएम क्रॉप्स में क्रॉप जब क्रॉस पोलिनेशन होगा, आपको पता है एक क्रॉप यहाँ लगी दूसरी क्रॉप दूसरी जगह लगी, अब ये क्रॉप अगर भले ही जेनेटिकली मॉडिफाइड इसका पास की क्रॉप के साथ क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन में प्रॉब्लम है। अगर ये जो नई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन के आ रही है अगर इसमें नेचुरल वजहों से या फिर किसी भी जेनेटिक वजह से वीड्स ज़्यादा पैदा हो रही हैं, और ये अक्सर कर देखा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में वीड्स ज़्यादा होती हैं, तो ये जब क्रॉस पोलिनेशन करेगा दूसरा जनरल क्रॉप्स के साथ तो ये वाला वीड वाला इफेक्ट ना इस पर्टिकुलर क्रॉप में भी चला जाएगा। वीड मतलब कि एक प्रकार की गलत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लांट में रहता है, तो एक सुपर वीड टाइप की यहाँ पे बन सकती है। तो ये सुपर वीड का फिनोमेना यहाँ पे एग्रेवेट हो सकता है। तो जीएम क्रॉप्स के अंदर ये जो पेस्ट अटैक है, ये जो वीड अटैक है, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं क्रॉस पोलिनेशन के चलते ही जो वीड अटैक है केवल जीएम क्रॉप्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, आसपास के पौधों में भी फैल जाएगा। इंडिया में आप देखोगे कि जीएमओ क्रॉप्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे जीएमओ क्रॉप्स फेल भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन की कितनी फसलें तबाह हो जाती हैं, हर साल की बात हो गई है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रॉप्स बायोडाइवर्सिटी को लिमिट कर सकती हैं, रीज़न भी आप उनकी जीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जीन के साथ खिलवाड़ किस प्रकार से हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाएगा, हम अभी नहीं कह सकते बट कर सकता है आगे। प्लस ऊपर से लेबलिंग और प्रोसेसिंग के चार्ज, तो नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाए तो भाई उसको जब पैक करोगे तो उसके पैकेट पे अलग से दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाला जेनेटिकली पैकेट है, उसके सेग्रीगेशन में किस हिसाब से उसको बेचना है, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का प्रोसेस है, उसकी पैकिंग का प्रोसेस है, इन सब में भी कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाएगा। अब अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बात की जाए तो यूरोपियन लोगों का ये डिमांड है कि भाई अगर कोई फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उसके लेबल पे लिखा हुआ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड खरीदना है या नॉर्मल कन्वेंशनल वाला खरीदना है या हमको ऑर्गेनिक खरीदना है। यूएस में नॉर्मल अगर आप देखोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बहुत मेजर स्केल पर अडॉप्ट किया जा चुका है। ज़्यादातर जो यूएस के लोग हैं वो जब क्रॉप खरीदते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं है, और उनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। अब इसके चलते यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की एंट्री को रोकना चाह रहा है, और यूएस ये चाहता नहीं है। यूएस में इतने बड़े स्केल पे कमर्शियल एग्रीकल्चर हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो यूएस इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है कि भाई ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है इसके हिसाब से आप डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो कि भाई ये जो क्रॉप आपका हमारे देश में आ रहा है क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यूएस ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी को साइन नहीं किया है। क्यों नहीं साइन किया है? क्योंकि अगर साइन कर लेगा तो यूएस को अपने क्रॉप्स में बताना पड़ेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और अगर यूएस ये बताने लगेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो यूरोपियन यूनियन उसको इम्पोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हेल्थ पैरामीटर्स को और कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील, इंडिया और चाइना में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अप्रूव हो चुके हैं, तो यूएस में पैदा होने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया में इंपोर्ट भी किया जाता है और हम लोग खाते भी हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता। ब्रिटी बिंजर को लेकर काफ़ी बवाल हो गया है, बट डेली मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं रहे। तो बेसिकली ये जो फ्यूचर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले समय में साइंटिफिक कम्युनिटी किस हद तक इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसको सेफ बता पाएगी। आज की डेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके लोगों के दिमाग में बस एक डाउट है कि ये सेफ हैं या नहीं है। इनकी सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में एक और टेंडेंसी देखी गई कि इन पर पेस्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, कि
किसी भी प्रकार का जो वीड अटैक होता है, पेस्ट अटैक होता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आगे आने वाले समय में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इस प्रकार के पेस्ट अटैक और ना बढ़े, इसके लिए इसके ऊपर और शोध और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो दो तीन पॉइंट्स पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहली बात, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो पेस्ट अटैक है इनको कम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इनकी एफिशिएंसी और सेफ्टी को प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोपियन यूनियन में इसके ऊपर बहुत बहस चलती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सेफ हैं या नहीं है। US बोलता है, यूरोप बोलता है पता नहीं है कि नहीं, हम अभी शोध कर रहे हैं। ये दो पॉइंट जब पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएंगे, तभी दुनिया में एक वाइडर स्केल पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अडॉप्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए। एक्चुअली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF मैं आपको दे देता हूँ, इसकी PDF आप मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड मार सकते हो। नीचे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ पे जाकर आप प्रिंट मार के इस PDF को सेव कर लेना आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं बोलता। साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज भेज सकते हो, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।